हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 7 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है नो, और इस पोएम को लिखा गया है थॉमस हुड के द्वारा। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे ऑथर हमारे पोएट थॉमस हुड के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। थॉमस हुड वॉज द सन ऑफ अ लंडन बुक सेलर। थॉमस हुड जिनका जन्म 1799 में और जिनकी मृत्यु 1845 में हुई थी, वो लंदन के एक बुक सेलर के बेटे थे। एट अ यंग एज ही बिकेम अप्रेंटिस टू एन इनग्रेवर। बहुत ही कम उम्र में वो एक इनग्रेवर के स्टूडेंट बन गए, उनके अप्रेंटिस, उनके शिष्य, उनके चेले बन गए। अब हमें समझना होगा कि इनग्रेवर किसे कहते हैं। इनग्रेवर एक आर्टिस्ट होता है जो कि मेटल के ऊपर, लकड़ी के ऊपर या ग्लास के ऊपर डिज़ाइन करने का काम करता है। जैसे कि एक टैटू आर्टिस्ट जो होता है जो लोगों की बॉडी के ऊपर टैटू बनाता है, डिज़ाइंस बनाता है, वैसे ही इनग्रेवर होता है जो कि मेटल, वुड और ग्लासेस के ऊपर अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस बनाता है। बट व्हेन ही बिकेम क्वाइट इल, लेकिन जब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए, ही लेफ्ट दैट जॉब एंड टर्न टू राइटिंग। फिर थॉमस हुड ने उस जॉब को छोड़ दिया और वे लिखने लगे, उन्होंने राइटिंग शुरू कर दिया। इन 1815 ही बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड वर्कड इन डंडी स्कॉटलैंड। 1815 में वो एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार बन गए और उन्होंने स्कॉटलैंड के डंडी में काम किया। लेटर ही बिकेम द सब एडिटर ऑफ द लंडन मैगजीन। बाद में वो द लंडन मैगजीन के सब एडिटर बने। ही वॉज नोन इन हिज लाइफ टाइम फॉर हिज कॉमिक वर्स। अपने जीवन काल में उन्हें उनके फनी, उनके ह्यूमरिस्टिक पोएट्रीज के लिए उन्हें जाना जाता था। बट इट इज़ हिज मोर सीरियस पोएट्री दैट इज़ रिमेम्बर्ड टुडे। लेकिन जिस पोएम को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो उनके द्वारा लिखे गए कुछ काफ़ी गंभीर और सीरियस पोएट्रीज में से एक है। इस पोएम को अक्सर नो या नवंबर के नाम से भी पब्लिश किया जाता है, लेकिन हम लोगों के पास ये जो पोएम है उसको नो टाइटल दिया गया है। कई जगह आपको ये पोएम नवंबर के टाइटल से भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। नो सन नो मून। थॉमस हुड कहते हैं कि नवंबर के महीने में इतना ज़्यादा ठंड होता है या इतना ज़्यादा फॉग होता है, धुंध कोहरा इतना ज़्यादा होता है कि ना ही हमें सूरज दिखाई देता है ना ही हमें चांद दिखाई देता है। इसलिए वो कहते हैं नो सन नो मून नो मॉर्न नो नून। हमें पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हो गई और हमें पता ही नहीं चलता कि दोपहर कब हो गया, इसलिए ना ही मॉर्निंग का पता चलता है ना ही नून का पता चलता है। नो डॉन नो डस्क, ना ही प्रातःकाल का पता चलता है ना ही संध्या काल का पता चलता है। नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, और दिन के किसी भी प्रॉपर टाइम का हमें पता नहीं चलता क्योंकि हर समय लगता है कि चारों तरफ धुंध और कोहरा ही कोहरा है, ठंड इतनी ज़्यादा होती है। किस मंथ में? नवंबर के मंथ में। नो स्काई नो अर्थली व्यू। थॉमस हुड कहते हैं कि इन द मंथ ऑफ नवंबर ना ही हमें आसमान नज़र आता है ना ही हमें ज़मीन नज़र आता है, ना ही आसमान के दृश्य हम देख पाते हैं ना ही ज़मीन के दृश्य हम देख पाते हैं। नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, और ना ही दूर दूर तक फैले हुए ब्लू समुद्र हम देख पाते हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि जो फॉग होता है, जो धुंध, जो कोहरा होता है वो चारों तरफ फैला हुआ होता है। नो रोड नो स्ट्रीट, ना ही हमें कोई सड़क दिखाई देता है ना ही कोई हमें पतली सी गली, स्ट्रीट या मार्ग दिखाई देता है। नॉट द अदर साइड द वे नो द अदर, यहाँ पे टी जो है जिसको कॉमा के अंदर डाला गया है उसको हम लोग द पढ़ेंगे। नो द अदर साइड द वे, और जिस सड़क पे, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे होते हैं उस रास्ते का दूसरा किनारा भी हमें दिखाई नहीं देता है नवंबर के मंथ में, इतना ज़्यादा धुंध और कोहरा होता है। नो एंड टू एनी रो, और किसी भी रो का कोई भी छोर हमें दिखाई नहीं देता। अब इस रो का क्या मतलब होगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ आपके बुक में नीचे दिया गया है। रो का मतलब होता है अ नैरो स्ट्रीट, एक पतला सा सड़क, एक पतली सी गली, लाइंड विद हाउसेज और बिल्डिंग्स ऑन बोथ साइड्स। और इस सड़क, इस गली के दोनों तरफ बड़े बड़े हाउसेज और बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं। अ स्ट्रीट वेयर अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन और टाइप ऑफ पर्सन इज़ प्रीडोमिनेंट, और ये एक ऐसा
ऐसा स्ट्रीट, एक ऐसा इलाका होता है जिसमें एक ही प्रोफेशन, एक ही तरह के काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं द टैनरी रो। तो फिर हमें समझ में आया कि कोई अगर रो है तो उसका कोई भी किनारा हमें दिखाई नहीं देता। नो इंडिकेशंस वेयर द क्रिसेंट्स गो। देखो क्रिसेंट्स का मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा कि आसमान में जब चांद जो होता है वो काफ़ी पतला होता है और हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, वैसे ही कोई सड़क जो होता है वो काफ़ी पतला होता है और मुड़ा हुआ होता है। तो नवंबर के मंथ में इतना ज़्यादा ठंड, इतना ज़्यादा धुंध और कोहरा होता है कि एक पतली सी सड़क कहाँ पर जाती है इस बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, क्योंकि हमें दिखाई ही नहीं देता कि सड़क आगे कहाँ जा रही है। नो टॉप टू एनी स्टीपल। और शहर में जितने भी चर्च होते हैं और चर्च के ऊपर जो बड़ा सा ऊंचा सा जो टावर होता है उसे हम स्टीपल कहते हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं देता। तो नवंबर के मंथ में किसी भी चर्च का टावर स्टीपल हमें दिखाई नहीं देता। नो रिकॉग्निशंस ऑफ फेमिलियर पीपल। और ना ही हमें जाने पहचाने लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए हमें जाने पहचाने लोग भी दिखाई नहीं देते। और अगर जाने पहचाने लोग बगल से गुजरते भी हैं तो भी हम उनका चेहरा नहीं देख पाते। नो कर्टसीज फॉर शोइंग देम। अब क्योंकि लोग दिखाई ही नहीं देते तो फिर उन्हें हम कर्टसी नहीं दे सकते, उन्हें हम सलाम, नमस्ते, दुआ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं बोल सकते। नो नोइंग देम। अब क्योंकि लोग दिखते ही नहीं तो फिर उनसे हम मिल ही नहीं सकते। यहाँ पर EM को हम लोग देम पढ़ेंगे, ये देम का कॉन्ट्रैक्शन है। नो ट्रैवलिंग एट ऑल। नवंबर के मंथ में इतना ज़्यादा धुंध, इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि लोग ट्रैवल करना ही बंद कर देते हैं। नो लोकोमोशन। और लोग एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह आते जाते दिखाई नहीं देते। नो इंकलिंग ऑफ द वे, नो नोशन। जिस सड़क पे हम चल रहे होते हैं उस सड़क का धुंधला सा तस्वीर भी हमें दिखाई नहीं देता, हम सड़क को धुंधला भी नहीं देख पाते। नो नोशन, सड़क की जानकारी ही नहीं होती। हम देखने की कोशिश करते हैं लेकिन धुंध इतना थिक, इतना मोटा होता है कि सड़क हमें धुंधला भी दिखाई नहीं देता। नो गो बाई लैंड और ओशन। और इस वजह से लोग ना ही सड़क के मार्ग से जाते हैं और ना ही समुद्र के मार्ग से जाते हैं, लोग ट्रैवल करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। नो मेल, नो पोस्ट। अब क्योंकि लोग ना ही आते हैं ना ही जाते हैं, इसलिए मैसेजेस आना, लेटर्स आना, पोस्ट आना, मेल आना बंद हो जाता है। नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट। और किसी दूसरे देश से हमारे यहाँ कोई खबर, कोई न्यूज़, कोई रिपोर्ट भी नहीं आता। नो पार्क, नो रिंग। ना ही कोई पार्क में दिखाई देता है, ना ही कोई रिंग में दिखाई देता है। यहाँ पर रिंग का क्या मतलब होगा इसको स्पेसिफिक करके यहाँ पर बताया गया है। अ सर्कुलर कोर्स, एक सड़क जो कि गोलाकार हो, सर्कुलर हो। और ये कहाँ पर है, लंदन में हाइड पार्क है, वहाँ पर एक सर्कुलर कोर्स है, एक गोलाकार मार्ग है और वहाँ पर लोग जो हैं वो राइडिंग और ड्राइविंग करने के लिए आते हैं, मज़े करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो ना ही पार्क में लोग दिखाई देते हैं, ना ही रिंग में लोग दिखाई देते हैं। नो आफ्टरनून जेंटिलिटी। देखो जेंटिलिटी का मतलब ये होता है कि जेंटल का मतलब होता है सभ्य लोग, नोबल का मतलब होता है सभ्य लोग। तो आफ्टरनून में, मॉर्निंग में जो सभ्य लोग, जो कुलीन लोग जो होते हैं, जो एजुकेटेड और रिच पीपल होते हैं, वो घूमने के लिए आते हैं, तो इस तरह के लोग भी घूमते हुए दिखाई नहीं देते। नो कंपनी, नो नोबिलिटी। कोई किसी के साथ नज़र नहीं आता, कोई नज़र ही नहीं आता। नो नोबिलिटी। और नोबल लोग, सभ्य लोग, कुलीन लोग बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, सड़कें सुनसान लगती हैं। नो वार्मथ, नो चीयरफुलनेस, नो हेल्पफुलीज। कहीं पर कोई गर्माहट नहीं होती, कहीं पर कोई खुश नहीं होता और ना ही हेल्पफुल एक्टिविटीज़ कहीं पर देखने को मिलती हैं। नो कम्फर्टेबल फील इन एनी मेम्बर। परिवार का कोई भी सदस्य अपने आप में कंफर्टेबल और आरामदायक महसूस नहीं करता। नो शेड, कहीं पर छाया नहीं होती। नो शाइन, कहीं पर धूप नहीं होता। नो बटरफ्लाइज, कहीं पर कोई तितलियां दिखाई नहीं देती। नो बीज, ना ही कहीं पर कोई भंवरा दिखाई देता है। नो फ्रूट्स, नो फ्लावर्स, नो लीव्स, नो बर्ड्स, नवंबर। पेड़ों पे ना ही हमें फल दिखाई देते हैं, ना ही फूल दिखाई देते हैं और ना ही पत्ते दिखाई देते हैं, क्योंकि ऑटम सीज़न में। और ना ही हमें कोई बर्ड दिखाई देता है, क्योंकि ऑटम सीज़न में पेड़ों पे लगे हुए फूल, पत्तियां और फल सारे के सारे झड़ जाते हैं और जो नज़ारा होता है वो काफ़ी रूखा सूखा होता है। आप इस
बुक में दिए गए इस पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे जो पेड़ दिखाई दिए गए हैं, इस पेड़ पर एक भी पत्ता आपको नहीं दिखेगा और जो सड़कें हैं वो सुनसान पड़ी हुई हैं। तो ये जो पोएम है वो थॉमस हुड के द्वारा लिखा गया है और ये काफ़ी सीरियस और काफ़ी गंभीर पोएम है। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।